तहसीलदार सेवला में विवाहिता की संदिग्ध अदालत में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराली जनों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना सदर ग्वालियर रोड सेवला में विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई। सूचना पर विवाहिता के परिवार के लोग पहुंचे। परिवार के लोग तत्काल ही अस्पताल ले गए, नामने स्थित हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर सदर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता के परिजनों का कहना है, ससुराली जन परेशान करते थे, 2 साल पहले शादी हुई थी, जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। ये मेरी बहन को मारपीट कर देते थे, ये कहते थे हम नहीं लाग रहे इसको, और कल फोन आया था कि जब लाली को ले जाओ, तो हमने फोन किया, जो फिर दो गई का फोन आया, जब मेहमान पर फोन किया, मेहमान कह रहा था कोई बात नहीं है, फिर रात में इन्होंने जहर दे के ख़त्म कर दिया। सुबह फोन कर रहे थे ख़त्म होने के बाद में, क्या 6 बजे जाके क्या तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल में दिखवा लो ले जाके। जब मैं गया तो बिल्कुल मरी हुई पड़ी थी, जब मैं लेके आया तो देखा तो यहाँ मना कर दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसमें। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसे कौन से कारण हुए जिसके चलते शादी के 2 साल बाद ही विवाहिता की जान चली गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।